उठना नहीं किसी को नहीं उठना नहीं है शरद क्या कहना चाहेंगे दोनों की जो है रिसेप्शन है आज उनकी शादी गांव में हुई लेकिन रिसेप्शन यहां पे सेलिब्रेट कर रहे क्या कहना चाहेंगे फाइनली फंसी गया लगा मतलब हमारी श्रेणी में आ गया कुछ नहीं हो सकता आगे लाइफ में क्या टिप देना चाहेंगे आज के खास तो बीवी की सुनो यार और क्या है सिंपल लाइफ में एक ही सिद्धांत होना चाहिए हर एक पति का मैं भी सुनता हूँ और मैं यही सलाह दूंगा शरद को कि प्लीज सुना करो बीवी की क्योंकि बीवी हमेशा राइट होती है और राइट की हमेशा सुनना चाहिए राइट में बीवी सुनो बीवी की हाँ अपनी राइट में बीवी राइट और राइट में होनी चाहिए लेफ्ट में कोई नहीं होना चाहिए ये बात ध्यान रखें सर अरे वही आज बड़ा वैसा है कि हम दोनों तरफ से हैं तो आज हमने फैसला किया कि हम खुद ही अपने आप को वेलकम करेंगे खुद ही खातिरदारी करेंगे खुद की बिकॉज दोनों तरफ से हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम यार मतलब फाइनली द डे हैज कम जब वो एक हुए हैं और बहुत खुशी है यार मतलब बिकॉज वी आर मैरिड फॉर लास्ट 13 ईयर्स तो जब भी ऐसे की शादियाँ होती हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यार दो प्यार करने वाले एक हो गए वेरी हैप्पी फॉर देम Yeah, we has grown up watching her films and ये हम कह सकते हैं कि हमने आज जितनी बार उनके वीडियोस देख रहे हैं मतलब I don't think किसी भी सेलिब्रिटी के जाने का इतना दुख हुआ है it is so sudden it is so shocking कि ऐसा लग रहा है जैसे पर्सनल लॉस हुआ है so it's a big big loss and I just met her 2 months back तो मुझे मतलब she was there तो वो एक suddenly कई बार दिन में वो मोमेंट्स आता है जब हम साथ में खड़े थे मैं हाय मैम कहा उनसे बात की तो बहुत बहुत ज़्यादा शॉकिंग है और नोबडी इवन इमेजिन कि ऐसा कुछ होगा आई डोंट नो मतलब एंड वो हमारी एक फ्रेंड है उसी की बिल्डिंग में रहती थी तो अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस थी अक्सर वॉक करते हुए दिखती थी इट्स सच अ वॉइड एंड इट्स रियली जस्ट टू अनफॉर्चुनेट एंड नो वर्ड्स अच्छा लास्टली कोई फेवरेट सॉन्ग फिलहाल तो अभी आज के जो आपने सवाल पूछा है उसके बाद कुछ ध्यान में नहीं आएगा सो ये क्वेश्चन मैं स्किप करना चाहूँगा चलो विजुअल है विजुअल थोड़ा पीछे हो जाना लो भाई विजुअल ले लो हो गया दादा हो गया इधर आ गया चलो हाँ रोल ना रोलिंग चलो ठीक है पूछो क्या कहना चाहेंगे आज जो है दीपिका और शोएब शादी के बंधन में बंधने वाले हैं क्या कहेंगे बंध गए बंध गए अब भाग नहीं सकते वो हम ये कहना चाहते हैं कि अब भागना भी है तो इट्स टू लेट But, just want to wish them congratulations and all the happiness. Congratulate them and wish them a very, very happy married life. क्या विश होने वाली है अभी तो विश दिया हम दीपिका और शोएब को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं क्योंकि सब लोग हमसे यही पूछ रहे क्या विश करेंगे लॉजिकली तो हम आपको कंग्रेचुलेशन ही विश करेंगे लेकिन क्योंकि हमें इतना फोर्स कर रहे हैं मैं सोची कुछ अलग जवाब दूं स्टॉप नॉनसेंस कम ऑन सो हैप्पी बर्थडे दीपिका एंड शोएब हैप्पी बर्थडे सनाया हमेशा चमकती है वो मेकअप है वो नहीं नहीं वैसे भी हमेशा चमकती है और आज कुछ बहुत ही अच्छी हमेशा एक्चुअली बहुत ही अच्छी लगती है यार शी ऑलवेज लुक्स ब्यूटीफुल एंड ही ऑलवेज लुक्स हैंडसम थैंक यू यू आर लाइक हिज इट्स लुकिंग गुड नो it was a great Nach Bali. All our contestants were, I'm sure everybody was Actually, here. When I think of Deepika Shoaib, I only think of, you know, late night rehearsals. Yeah, because hamara koi saath nahi tha, we sirf... would look at each other and yeah. we'd be like, Raat Kali, kyunki sirf hum Raat Kali karte the, hum dono aur Deepika Shoaib. But they were honestly, along with us, or maybe even more than us, by far the most hard working couple on Nach Bali. And I think they're just such simple people. The simplicity that they have, both of them, it's so attractive, heartwarming. Actually, yeah, it's very, they're really, really nice yeah. people, and we're just glad that we got to be part of a show with them. Okay, Deepika ki name change ke baare
बारे में क्या कुछ करना है? इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, फैजा, फैजा. आई थिंक इट्स अ ग्रेट नेम, सो गुड जॉब, गुड चॉइस. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. कैसा लग रहा है आपको? दो प्यार करने वाले, अब उनकी शादी हो गई है और इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? By the way, it was written on her card, दो दिल मिल रहे हैं. मुझे लगा तुम वो गाना गाने जा रहे हो. अच्छा वैसा? सर इसी बात पे हो जाए गाना. गाना हो जाए? प्लीज़ गुरमीत से गाना मत सुनिए. थैंक यू देवीना. मैं बोलने वाला था क्योंकि मैं बहुत वाहियात गाता हूँ तो देवीना बहुत बार बार बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता. देवीना एक हो जाए. नहीं देवीना ताल मैं दूंगा. एक दो तीन चार एक्शन. तुम्हें अंदर जाना है कि नहीं? यहीं पे रहना. एक हो जाए देवीना, एक बार हो जाए. दो दिल मिल रहे हैं मगर चुप के चुप के. तुमने मुझे च्युइंगम खिला दिया ना. अच्छा चलिए मैं चबू चबाऊँ की गाना गाऊँ. मैम आपका ड्रेस काफ़ी हटके और अलग अच्छा लग रहा है तो कितनी प्रिपेरेशन की? हाँ ये एक्चुअली हमें खुद को बाद में मालूम चला जब यहाँ पे बाहर निकले तो एक्चुअली मालूम चला कि बहुत ज़्यादा मैचिंग करके हम निकले लेकिन ऐसे बिल्कुल भी हमारा प्लान नहीं था. और दो दिल मिल रहे हैं कपड़ों के साथ मैचिंग करके. एक्चुअली वॉज वेयरिंग समथिंग एल्स और बाहर निकलने से पहले अचानक ही फेल्ट दैट आई डोंट वांट टू वेयर दिस. बहुत लेट हो रहा था तो ये और एक जैकेट सामने था. मैंने कहा गुरमीत ये पहन लो. सी वाज लाइक पहनूँ नहीं बस पहना कि मैं बाहर लेकर आ गई. अभी खुद देख रहे हैं अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए ब्लैक एंड ग्रे. नहीं टीवी तो मैं हमेशा बोल अभी एक्चुअली फिल्म कर रहा हूँ. पल्टन अभी ख़त्म की है, जेपी दत्ता की फिल्म की है और बहुत खुश हूँ कि इस मौकाम पे इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला. और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचाऊँ तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है. और मैं हमेशा तहे दिल से जिसकी बदौलत अभी खुद देख रहे हैं अच्छा हम दोनों एकदम एक्चुअली ट्विनिंग हो गए ब्लैक एंड ग्रे. मुझे गुरमीत आपसे जानना चाहेंगे क्या टीवी की ओर अब रुख करने वाले हैं कभी या हमेशा से फिल्म में कर रही हैं? नहीं टीवी तो मैं हमेशा बोल अभी एक्चुअली फिल्म कर रहा हूँ. पल्टन अभी ख़त्म की है, जेपी दत्ता की फिल्म की है और बहुत खुश हूँ कि इस मौकाम पे इस जगह पे मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली और उनके साथ काम करने को मौका मिला. और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर यहाँ तक भी मैं पहुँचाऊँ तो उसके पीछे टीवी का बहुत बड़ा हाथ है. और मैं हमेशा तहे दिल से जब भी मैं फिल्म साइन करता हूँ तो मैं अपने फैंस गलत होगा कि टीवी नहीं करना चाहता या टीवी को मैं भूल जाऊँ या यू नो एक्टर्स को भूल जाऊँ जो मेरे दोस्त रहे हैं. हमेशा वो रेस्पेक्ट वो दिल में वो प्यार हमेशा रहेगा. बट ऑफकोर्स अभी डेली सोप नहीं कर सकते बिकॉज उसमें 365 डेज शूट करना होगा और आपको पता होली और दिवाली तो डेली सोप में होता नहीं है. आपको हमेशा काम करना पड़ता है तो और क्योंकि फिल्म्स कर रहा हूँ तो उसके बीच में टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है. तो अगर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज आए जो मुझे लगे कि हटके है और अलग है जिसमें दो तीन महीने दे सकते हैं तो वाई नॉट. गुरमीत अभी ना आपसे थोड़ा सा अलग सवाल जानना चाहूँगा कि श्रीदेवी जी हमारे बीच में रहे क्या कहना चाहेंगे? आप भी बॉलीवुड से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है क्या कहना चाहेंगे? बट ये एक्चुअली बिलीव करना बिलीव ही नहीं कर सकते. अभी आज और कल तो एक्चुअली हम लोग बहुत ही उस बिल्कुल वहाँ से निकल नहीं पाए हैं और हम सभी उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग को हमने हमेशा देखा, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है. और अचानक वो हमारे बीच में थी
उनकी हमने फिल्में देखी, अभी फिल्में उन्होंने की, मॉम की, इंग्लिश फिंग्लिश की, और तो यकीन करना मुश्किल है। एंड इट इज़ नॉट दैट शी वाज़ रिटायर्ड और समथिंग, कि आंखों के सामने से थोड़े दिन के लिए ओझल हो गए थे, एंड शी वाज़ देयर, शी वाज़ एक्टिव, शी वाज़ हेल्थी, शी वाज़ वाइब्रेंट, शी वाज़ सो प्रिटी, शी वाज़ वर्किंग, शी वाज़ सक्सेसफुल, शी वाज़ स्टिल गिविंग हिट फिल्म्स, सो इट इज़ अनबिलीवेबल। अभी फोटोग्राफ शी इज कमिंग अलाइव, और गाना, एक्चुअली गाना तो अभी जो हमने गाना गाया, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम फॉरएवर, चांदनी ओ मेरी चांदनी। थैंक यू सो मच, बचा लिया तुम्हें।